हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, हमारे पास पानी है, खेती है, अच्छे पशुपालन है और अच्छा संगठन है, अच्छा प्रेम है, मिल के काम करते हैं और गांव को आबाद बनाते हैं। 3 साल के अकाल भी हम झेल लेते हैं और 1 साल जब अच्छी बारिश होती है तो 3 साल तक कोई परेशानी नहीं आती है। तब 4-4 किलोमीटर अपनी आँखों से दूसरे गांव देख सकते थे, बीच में पेड़ और घास नहीं थे। अच्छी बारिश हो तो भी ग्राउंड वाटर नहीं बनता था और अकाल पड़े तो भी वही स्थिति थी। भाई तालाब कहीं हो जाए, अब नॉलेज में होगी भाई तालाब और बाशियों आप फायद हो जाए, पानी को जल स्तर ऊपर बढ़े जाए। धीरे धीरे तालाब बनाते गए, हमारी समझ बनती गई और 1985 में आते आते हमने 40 गांव ऐसे तैयार कर लिए थे जो गांव की संस्कृति, गांव का जल, गांव का पर्यावरण, उस पर कोई स्कूल चलाएं, गांव के लोग गांव को पढ़ाएं और श्रमदान करें, तालाब बनाएं, पेड़ लगाएं। 1990 तक खूब तालाब और नाड़ियाँ और नहरें बनाई, नहरें माने तालाब भरने की नहर, क्योंकि हमारा प्लेन एरिया है तो साइड से पानी निकल जाता है, तो नहर बना के हमें तालाबों में पानी लाना पड़ता है, वो हमने 3-3, 4-4 किलोमीटर की नहरें बनाई। ये गांव लापोड़िया की जमीन का जो ढाल है उसको समझते हुए हम लोगों ने पानी रोका, हमने पानी को अलग अलग जगह रोका है ताकि डाउन स्ट्रीम में प्रेशर नहीं आए और अपस्ट्रीम में पानी की कमी नहीं रहे। तो हमने जो तालाब बनाए, चौका सिस्टम बनाए, उससे पानी का वातावरण बना, नमीदार वातावरण बना। ये 400-500 बीघा हमारा गौचरा है, ये इसमें चारा कम होता नहीं था चारा, डांडोर के लिए दिक्कत आई थी। फिर संस्था वाले आए हैं, वो देखे चौकेर, वो बोला कि आपके घास बढ़िया हो जाएगा, ये चौके पटका दिए, इसमें चौके से पानी रुक जाएगा, घास बढ़िया हो जाएगा। चौका सिस्टम ये चीज़ है कि बारिश के पानी को 9 इंच सब जगह रोके और 9 इंच जहाँ पानी रुकता है वहाँ मॉइस्चर बढ़ता है, मॉइस्चर बढ़ने से घास और पेड़ अपने आप आने लगते हैं और एक लाइवलीहुड विकसित होता है।
अभी महिलाएं बकरी भेड़ रखती है, आराम से जाती है वहीं चराती है भेड़ बकरी को और बकरी पालन करती है, उससे वो जो साल में दो बच्चे देते हैं तो उसकी वो पैसे लेती है, वो खुद अपना स्वयं सहायता समूह चलाती है जिससे अपनी आजीविका को बढ़िया चला रही है। हमारे गोचर में 30-35 प्रकार के घास एक मौसम में आते हैं। चरागाह अगर आपने सुरक्षित रखिया बढ़िया काम किया तो आज माँ गाय डांडा डोर सब बड़े जाओ जे दूध की इनकम बढ़ी जो लोग आएगी। 2400 लीटर रोज दूध जाता है और हर घर में कम से कम 15,000 रुपये हर महीने का दूध जाता है, तो इनकम बढ़ी तो फिर लोगों ने अच्छे पक्के मकान भी बनाए, अपने अपने तालाब भी बनाए, बच्चों की पढ़ाई भी की। हमारे सार्वजनिक स्तर के 3 तालाब हैं, ये अनसागर है, इसमें 2 कैनाल्स हैं, उससे पानी जाता है और 1400 बीघा भूमि सिंचित होती है, फिर भी पानी थोड़ा बचता है तो वो रहता है पानी, वो तालाब का पेटा है, यानी तालाब का पेट के अंदर पानी रहना चाहिए। इसके साथ ही 2 तालाब और है, फूल सागर और देव सागर, वो ग्राउंड वाटर के लिए हैं, उसमें सिंचाई नहीं होती। ۲۰۰۱ था जिसमें राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा था, लेकिन उसमें भी हम आत्मनिर्भर थे, हमारी खेती होती थी, चारा हमारे पास था, अनाज हमारे पास था, तो सरकार ने बुलाया था उस वक्त कि साहब सब जगह ही ऐसा करो। मैंने कहा वो तो लंबे समय से काम करते हैं, खूब पेड़ लगाते हैं, खूब पानी रोकने की व्यवस्था होती है, तब होता है। जब एक्सेस बारिश होती है तब आपका संपूर्ण पानी रोकना है, आपका 0 डिस्चार्ज होना चाहिए, तो वो पानी हमारे जो अकाल के साल हैं उसमें काम आता है। वाटर टेबल अच्छी बारिश होने पर हमारे यहाँ बिल्कुल ऊपर 4 से 5 फीट पे आ जाता है। सर्दी के समय ये वाटर टेबल 25 से 30 फीट रहता है और गर्मी के समय 40 से 50 फीट रहता है। इन तालाबों के चारों तरफ जंगल लगाए गए हैं, तालाबों में तैरने वाले पक्षी, गांव में रहने वाले पक्षी कहाँ बैठें, उनके लिए ये देव वन बनाया है, यानी भगवान का वन है जिसमें पशु पक्षी रहेंगे और खूब पक्षी है, आवाज़ें आती है खूब, उनके घोंसले हैं, उनका पानी है, उनकी सुरक्षा है, उनका भोजन है। पहले बारिश हमारे यहाँ एवरेज के आसपास होती थी, 350-350 mm से कम नहीं होती थी। अभी कुछ कंटिन्यू 4 साल तक 3 साल तक 200-150 इवन 120 mm तक रहती है और किसी साल अचानक 1000 mm हो जाती है। ये वेरिएशन बढ़ने से किसानों को दिक्कत आने लगी है, लेकिन हम लोगों ने एक जो काम किया है पास्चर लैंड डेवलपमेंट का, वो वेरिएशन का कम नुकसान होता है उसमें, क्योंकि उसमें चारा होता है और चारा में अगर आपके ओले भी पड़ते हैं या कम बारिश होती है तो चारा पे इफ़ेक्ट कम आता है। तो पशुपालन लोगों की आजीविका का जो हिस्सा है वो एक स्थायी इनकम दे रहा है, एग्रीकल्चर थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर होता है। अट्ठावन गांव तो तैयार हो चुके और बाकी में काम चल रहा है, ऐसे बहुत सारी संस्थाओं को सरकार को भी बताते हैं कि हम ऐसे गांव तैयार करते हैं, आप भी करिए।